भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडी से पार्ट ऑफ एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए चलिए लूसेंट सीरीज स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ दिनों में यानी कि ऑलमोस्ट फ्राइडे तक हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ कि मैं आपका क्या करने वाला हूँ, कि जो मैं आपकी ये लूसेंट सीरीज है और जो बाकी सभी सीरीज है उनको 7 बजे करने वाला हूँ। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन यही है। ठीक है कि हम सब कुछ जो है 7 PM पे करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सब कुछ जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे सब कुछ 7 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे लगातार क्लास चलेगी। ठीक है, 2 घंटे लगातार क्लास चलेगी, याद रखिएगा जो भी चीजें हैं। ठीक है, बाकी अभी 10 बजे स्टार्ट कर दीजिए। इसका कंटेंट बहुत औसम है, रात को 10 बजे वाईफाई स्टडी में। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। देखो पहला तो ना, जब आप अनअकैडमी कॉम्पैक्ट पे आते हैं, ठीक है, आप इस चीज को मौका समझिए कि आपको यार कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, मौका आपको मिल रहा है तो यार इस समय में तो आपको यूज करना चाहिए इस मौके का। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, संडे को अनअकैडमी कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनिए, उससे पहले प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपको जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल रहा है ये 28 तारीख तक है। ठीक है, 28 तारीख तक, 28 तारीख है क्या मतलब लिमिटेड है, और कोर्स जो है 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये लिमिटेड ऑफर है। ठीक है, तो मे भी 28 तारीख तक रहे तो आप इस रेफर कोड पे 2 साल पे 4 मंथ 1 साल पे 2 मंथ एक्स्ट्रा और 10% डिस्काउंट लेके जुड़ सकते हैं। आपको इसी में आपको इस समय सब कुछ मिल जाएगा, A to Z जो कवरेज होती है सफलता बैच की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, लाइव रेफर कोड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने इसके बाद साइंस की क्लास रखी है जो अनअकैडमी पे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहले ही फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली महिला जो है विदेश मंत्री कौन रही, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वुमेन, ठीक है, इंडिया की। आंसर क्या है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी। देखो अब ये दिक्कत है कि बच्चों को एक दो नाम पता है, सुषमा स्वराज सुना है लेटेस्ट में। ठीक है, मतलब जो सुना हुआ है बच्चे जो देखते हैं जो जानते हैं। ठीक है, लेकिन भाई इंदिरा गांधी पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए आंसर इसका क्या है, इंदिरा गांधी इसका आंसर, और सभी का गलत है, सभी के दिमाग पर सुषमा स्वराज ही रहेगा। ठीक है, सुषमा स्वराज ही रहेगा, लेकिन आंसर इसका इंदिरा गांधी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है। फर्स्ट बैट्समैन टू हिट द 6 sixes इन ओवर, देखो ये अभी आपको लेटेस्ट बोला जाए, आप तो किरण पोलार्ड ऑप्शन में दे रखा होगा तो आप किरण पोलार्ड लगा दोगे। ठीक है भाई, ये तो लेटेस्ट का है, किरण पोलार्ड जो है लेटेस्ट का है बेटा, याद रखना। अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार 6 छक्के किसने मारे थे, ठीक है, 6 बॉल पे। ठीक, इनके नाम पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ICC का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, बताइए आंसर क्या होगा। इनके नाम पे ICC का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता, अब बताइए आंसर क्या होगा। मैं हिंट भी दे रहा हूं आपको कि इनके नाम पे ICC का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है सर गारफील्ड सोबर। ठीक है, दिमाग में रखिए, गारफील्ड सोबर इनका नाम है और ये सर गारफील्ड सोबर, ठीक है, फेमस अवार्ड है जो मिलता है। ठीक है, विराट कोहली को मिला था रिसेंटली। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सर के सर। ठीक है, याद रखिए, ये तो मैं लूसेंट सीरीज खत्म करा दूंगा फ्राइडे तक, उसके बाद सारी क्लासेस मैं 7 बजे कर दूंगा। आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम होगा ना पूरे दिन में यूट्यूब का, वो होगा 7 PM से 9 PM, 2 घंटे लगातार। ठीक है, 7 से 9 PM जो है 2 घंटे लगातार मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, 7 PM। ठीक है, लेकिन पहले कवर कर लेते हैं फ्राइडे तक में। मैंने मैराथन इसलिए सैटरडे को एक लगाई है जिससे कि मैं आपको 7 PM पे कनेक्ट करवा सकूं सारा कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। चार एक और क्वेश्चन देखिए ना। देखो यार, अपने जो फ्लैग है उसकी विड्थ क्या है, लेंथ बाय विड्थ जो है रेशियो कितना है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 2:3 इसका आंसर। ठीक, 2:3 इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, देखो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो किस देश से लिया हुआ है, मतलब वैसा स्ट्रक्चर है हमारे देश में जैसा इस देश में है, बताइए किस देश में।
याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आंसर है कनाडा। ठीक है, हमने पता है कैसा स्ट्रक्चर ले रखा है, फेडरल, हमारी जो जो संघीय प्रणाली है ना वो ऐसी है कि जिसमें केंद्र के पास ज्यादा मजबूती है और केंद्र जो है वो कनाडा से संबंधित है। हमने कनाडा जैसा कंसेप्ट ले रखा है, सेंटर प्लस प्लस, सी कनाडा सेंटर प्लस प्लस, केंद्र की मजबूती ज्यादा है हमारे संघीय क्षेत्रों में, क्वासी फेडरल सिस्टम है हमारा। ठीक है, करंट अफेयर सुबह 9 बजे। Which of the following Indian participated in all three round table conference? ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था जब मैं आपको पूरी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ा रहा था सुबह सुबह वाईफाई स्टडी पे, पूरी मैराथन पढ़ाई है। ठीक, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया इसके बारे में, बताइए आंसर क्या हुआ, डिटेल में बताया मैंने इसके बारे में, बताइए आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन में, जल्दी से देखो। क्या बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति रहे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए, बी आर अम्बेडकर? ठीक है, हाँ बिल्कुल रहे। ठीक है, ऐसा मैंने गांधी जी का भी बताया था कि दूसरे कॉन्फ्रेंस में आए थे सर। सोल्ट जो है समुद्र के पानी से किस प्रोसेस से मिलता है, बताइए कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है सोल्ट जो है समुद्र के पानी से मिलता है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एवापोरेशन है। एवापोरेशन सिंपल सा फंडा है कि धूप की वजह से जो सोल्ट का पानी है, सोल्ट में जो पानी होता है वो उड़ जाता है, सोल्ट का जो सूखापन है वो रह जाता है, उसको हम क्या फाइनिंग करते हैं, उसके बाद उसको सोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चले ब्रो। नामचिक नैमपुक इज अरुणाचल प्रदेश फेमस फील्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नामचिक नैमपुक बड़ा प्यारा नाम है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, किसके लिए फेमस है बताइए बेटा, शेयर करें करो सेशन को, रेगुलर रहा करो। जब तक मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपकी सारी क्लासेस 7 बजे पे मर्ज करने वाला हूं कुछ दिनों में। ठीक है, दिन मैं बता दूंगा, जिस दिन मैं महामैराथन लगा दूंगा उस दिन से आपकी सारी क्लासेस 7 बजे पे मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, जिस दिन मैं मैराथन लगा दूंगा। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है कोयला। ठीक है, आंसर है इसका कोयला। ठीक है, सिंपल सा काम करेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे पूरे दिन का और समाप्त करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए एक साथ। Who among the following leader did not believe in the drain theory of दादाभाई नौरोजी? कौन से व्यक्ति रहे जो मतलब दादाभाई नौरोजी को इतना पसंद नहीं करते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी थ्योरी को पसंद नहीं कर सकते। ठीक है, बताइए कौन से व्यक्ति रहे, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, हरिलाल कन्हैया डी ऑप्शन दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, डी ऑप्शन हरिलाल कन्हैया, ए डी ऑप्शन दे रखा है। ये व्यक्ति जो है दादाभाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी है इसको इतना मानते नहीं थे, डी ऑप्शन दे रखा है, कट गया वो डी ऑप्शन। ठीक है, दिमाग को रखिए, कट गया वो डी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए सूरत इज लोकेटेड इन बैंक ऑफ विच रिवर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक, सूरत जो लोकेटेड है, ठीक, कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये आ सकता है पेपर में और, है ना। सूरत कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तापीस का आंसर है, तापीस का आंसर अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तापीस का आंसर अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट? थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? अब यार एक ना मैं आपको एक चीज और बता दूं, चलो वैसे इसमें से भी आ जाएगा, लेकिन मैं डी ऑप्शन बता देता हूं, नन। ठीक है, कुछ भी नहीं, डी ऑप्शन दे रखा है, नन। ठीक, कुछ भी नहीं, कट गया ना वो ऑप्शन, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। अब बताइए थियोसोफिकल सोसाइटी भी बनाए और होम रूल लीग मूवमेंट भी बनाए, जल्दी से देंगे। ठीक है, कौन बनाए? अब इसमें ऑप्शन दे रखा है एनी बेसेंट। ठीक है बेटा, याद रखना, कोई बच्चे ना इसमें डाउट कर सकता है कि सर ये थियोसोफिकल सोसाइटी तो दो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ये चीज है, सुनो इस चीज को, समझो इस चीज को। ठीक है, हाँ बच्चे ने एक ने बताया मैडम ब्लैकवेस्ट, ठीक है, और भी बहुत दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा। इधर इस वर्ड को भी पढ़ो, इन इंडिया, बेटा उन्होंने जो बनाया था ना वो बाहर बनाया था, और यहां पे भारत की बात हो रही है, और भारत में एनी बेसेंट ने बनाया था, ये भारत में एनी बेसेंट ने बनाया था, इसलिए इसका आंसर एनी बेसेंट है। और यहां से तो क्लियर कट समझ आता है, होम रूल लीग मूवमेंट से ये एनी बेसेंट ये आंसर होगा, यहां से तो क्लियर कट समझ आता है ना।
इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी, ये भी आसान है क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, ठीक है, फैक्ट है, पता होना चाहिए स्केलर कौन सा है जिसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर वेक्टर, ये सब चीजें पता ही होंगी, आसान है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है यार, ठीक है, फील्ड हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब फैक्ट क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन करंट इज अ स्केलर, ठीक है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द सेल ऑफ क्रोमोसोम, देखा वेयर इन द सेल ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब पूरा अगर जैसे मान लो एक ये सेल है, इस सेल में क्रोमोसोम कहां पे होगा, ठीक है, बड़ा कॉमन कॉमन सा क्वेश्चन है कि पूरे सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो कहां पे होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए आंसर। ठीक है, तो बेटा याद रखिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, न्यूक्लियस, सिंपल सा है, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब चीजें जो है, ठीक है, मुश्किल लगती है लेकिन भाई हमारे लिए आसान होनी चाहिए, न्यूक्लियस इसका आंसर है, ठीक है, न्यूक्लियस में सब कुछ होता है, एडिटिंग जो होती है वो सब कुछ न्यूक्लियस में होती है ना बेटा, शेयर करें अगर सेशन को, ठीक है, अभी मैं आपको जो क्लास करा रहा हूँ ना, जो हमारी रेगुलर अभी फ्राइडे तक क्लास चलेगी, वो चलेगी दो टाइमिंग पे, 5 बजे और रात को 10 बजे, ठीक है, और जब 5 बजे का ये मैराथन, ये लूसन खत्म हो जाएगी ना फ्राइडे तक में, तो बेटा मैं 5 और 10 बजे की क्लास को मर्ज कर दूंगा 7 PM पे, और 7 PM से लेके 9 PM तक पढ़ाऊंगा 2 घंटे, मतलब आपको बस एक टाइम रखना है पूरे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए मुझसे 7 से 9, ठीक है, ये काम कर लेना, जब मैं बताऊंगा आपको फ्राइडे तक मैं बता दूंगा, मैराथन के साथ स्टार्ट करेंगे सैटरडे संडे की, गुरु गोविंद सिंह, बड़ा मजा आ जाएगा 2 घंटे लगातार पढ़ने में, ठीक, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिचार्ज बाय सब सोइल वाटर, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कौन सा इसमें से जो है सब सोइल वाटर से रिचार्ज होता है, कौन सी नदी है इसमें से, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आंसर क्या है बेटा याद रखना, आंसर है इस क्वेश्चन का नर्मदा, नर्मदा इसका आंसर, ठीक है, नर्मदा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्रॉट आउट बाय विच ऑफ द, देखो हमारे शरीर में जो केमिकल रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे शरीर बढ़ रहा है, विशालकाय शरीर हो रहा है, शरीर बहुत छोटा रह गया, दीज आर केमिकल एक्शंस, है ना, वो किसकी वजह से, ठीक है, मस्कुलरिटी बढ़ती है, ये सब चीजें हॉर्मोन्स की वजह से होती है क्या, ये सब चीजें हॉर्मोन की वजह से ही होती है, दिस इज ड्यू टू द हॉर्मोन इटसेल्फ, है ना, तो आंसर इसका हॉर्मोन, इससे याद आया साइंस की क्लास होगी अभी 6:20 में, जो कराते हैं ना साइंस की क्लास 6:20 पे कराएंगे, बढ़िया एकदम, ठीक है, पता है एकदम, नेशनल एंथम जो है पहली बार गाया गया कौन से वर्ष में, नेशनल एंथम पहली बार कौन से वर्ष में गाया गया, आंसर क्या है बेटा 1911 में, कब 1911 में गाया गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, Who was the first to sail around the world? जल्दी से बताएगा, first to sail around the world, ठीक है, आंसर क्या है? अब यहाँ पे खेल होता है, यहाँ पे खेल होता है, इस क्वेश्चन में खेल हो जाता है, बताइए किस चीज का खेल, बताइए आंसर क्या है? याद रखिए आंसर इसका मैगलन, इसका आंसर, ठीक है, मैगलन इसका आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैगलन इसका आंसर है। Which of the following tribe is not found in Andaman Nicobar? इसमें से कौन सी ट्राइब है, जनजाति है, जो कि अंडमान निकोबर की नहीं है, ठीक है, बाकी इससे पता चल जाएगा, 3 ट्राइब ऐसी हैं, जैसे मैं बताऊं ना, यारना, यारवा, सेंथलीस, ये तीनों के तीनों अंडमान निकोबर की, ठीक है, और जो बसरी है ये ट्राइब अंडमान निकोबर की नहीं है, ठीक है, ये ट्राइब अंडमान निकोबर की नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, क्वेश्चन देखिए, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ठीक है बेटा, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, बड़ा आसान है, वर्गीस कुरियन, गुजरात, दूध मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हो गया थोड़ा। वेयर वॉज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पूरी दुनिया में सबसे पहले गणराज्य की, गणराज्य कौन सा था, सिंपल सवाल ये है कि हमारे पूरे दुनिया में
सबसे पहला गणराज्य तो छठी शताब्दी में कौन सा था, कमेंट करिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। वैशाली इसका आंसर है, ठीक है, वैशाली इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड डॉक्टर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला, आसान क्वेश्चन। डॉक्टर सीवी रमन के ऊपर जो है हम साइंस डे मनाते हैं, ठीक है, पूछा भी जाता है आपसे, बताइए सीवी रमन क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1930 इसका आंसर है, ठीक है, 1930 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, महेश्वरा ब्रिज उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, महेश्वरा ब्रिज जो है उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में, है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गोरखपुर, ये गोरखपुर फेमस है, चोरी चोरा इंसिडेंस हुआ था गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा था, तो वो गोरखपुर आप सभी जानते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, और भी बहुत चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें हमारे शरीर में सिर्फ इसकी मात्रा जो है ना, प्रतिशत में सबसे ज्यादा है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा, बताए हमारे शरीर में प्रतिशत में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, कमेंट करिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन। इस बार मैं आपको मैराथन का पहले ही बता देता हूं, ठीक है, इस बार मैं आपको ना मैराथन का पहले ही बता देता हूं, और टाइमिंग भी एक रखूंगा कि आप उसमें फिर कंटिन्यू नहीं कर पाऊं। आपको सैटरडे को याद रखिएगा, सैटरडे को 7 बजे मैराथन मिलेगी, कितने क्वेश्चन की याद रखिए, 700+ क्वेश्चन एक ही क्लास में होंगे 2 घंटे में, और अश्योरिटी देता हूं 700 नंबरिंग लिखवाऊंगा, नंबरिंग से करेंगे 1 2 3 4, 700 क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होते तब तक क्लास बंद नहीं करेंगे, ठीक है, सैटरडे को 7 बजे, और फिर संडे को भी 7 बजे रखेंगे, ठीक है, संडे को भी 7 बजे ही रखेंगे, 2 घंटे दोबारा साइंस का पूरा मैराथन, और फिर लगातार डेली बेसिस पे 7 बजे ही क्लास लेंगे, सारी क्लासेस 7 बजे मर्ज कर देंगे, ठीक है, सारी क्लासेस 7 बजे मर्ज कर देंगे। ये चीज सैटरडे से ही स्टार्ट कर दूंगा मैं बेटा, याद रखना सैटरडे से ही, ठीक है। इधर अभी हम कवरेज कर लेते हैं सारी, ऑक्सीजन इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, तैयार रहना इस वाली सैटरडे संडे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बताइए इसमें से कौन सा एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन आंसर के। देखो डेवलपमेंट क्या होता है, विकास और विकास तो भाई वो ना जिससे लोगों का फायदा हो। देखो अब देखो, डेट सर्विसेज किसी तरीके का लोगों का फायदा नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई विकास नहीं है, ग्रांट इन एड किसी विकास के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है कि मतलब मान लो कोई आपदा आ गई उस वजह से देना पड़ता है, इरिगेशन डेवलपमेंट फार्मर्स के काम आता है ना, तो इसी वजह से आंसर क्या है, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की असेंबली सीट कितनी, कमेंट करें मध्य प्रदेश की असेंबली सीट कितनी है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की असेंबली सीट 230 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग गेम वाज प्रीवियसली नोन एज मिंटो नेटी, कौन सी गेम को पहले मिंटो नेटी कहते थे, ठीक है, कौन सी गेम को पहले मिंटो नेटी कहते थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिंटो नेटी किसे कहते थे, आंसर है इस क्वेश्चन का वॉलीबॉल को, ठीक है, वॉलीबॉल को मिंटो नेटी कहते थे, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मिंटो नेटी इसका आंसर है। वर्ल्ड सत्यमेव जयते, ये जो वर्ल्ड सत्यमेव जयते जो है ये कहां से लिया, आसान क्वेश्चन इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई, ठीक है, ये जो शब्द है सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया, ठीक है, सब जानते हैं मुंडक उपनिषद से लिया गया, कहां से, मुंडक उपनिषद से लिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बताइए। देखो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, देखो आप इसमें से ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा ऑप्शन में। उड़ीसा का जो फेमस कोनरॉक सन टेम्पल है वो किसने बनवाया था, जल्दी से बताएगा, ये जो फेमस सन टेम्पल है
एक ओनरोक सन टेम्पल उड़ीसा का, ये किसके द्वारा बनवाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है आंसर, ठीक है, नरसिंह देवा के द्वारा, और डी ऑप्शन कट गया है। ठीक है, उम्मीद है कुछ बच्चे बिना ऑप्शन के बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, नरसिम्हा, ठीक है, देवा, नरसिम्हा देवा, ठीक है, डी ऑप्शन है नरसिम्हा देवा। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म के फाउंडर कौन थे? जल्दी से बताइए, वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, आंसर है गुरु नानक देव जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, व्हेन पाकिस्तान इन्वेडेड द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है, इन्वेजन कब किया था? ठीक है, ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देश जब आजाद हुआ था ना, तभी इसका मुद्दा छिड़ गया था, जम्मू कश्मीर किस तरफ होगा, उसी वजह से पाकिस्तान ने, ठीक है, अटैक किया, आधा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था तब तक जब तक इंडिया ने एक्शन लिया। ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना है वही अपना है। ठीक है, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से देख। मधुबनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ये, मधुबनी एक पॉपुलर पेंटिंग स्टाइल है, वो किस स्टेट का है और दुनिया जानती है मधुबनी? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, भारतीय हो तो आपको मधुबनी का तो पता होना चाहिए, ठीक, और नहीं हो तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बिहार, बिहार, बिहार वा, ठीक है, आंसर बिहार इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे? जल्दी से होते, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे? जल्दी से होते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक, और आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मैड्रिड स्पेन इसका आंसर है, मैड्रिड स्पेन इसका आंसर है। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, काम का सवाल, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, मध्य प्रदेश से होता हुआ बहुत सारे स्टेट पे क्रॉस करता हुआ राजस्थान, इन सबको, ठीक, कौन सा लैटिट्यूड जाता है मिड ऑफ इंडिया? ठीक है, चलो आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है मिड से जाती है, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे इक्वेटर आता है, ठीक है, कर्क रेखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट अ रिवर, देखो कौन सा इसमें से वाटरफॉल जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर नहीं है। एक एक तो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है नर्मदा नदी पे नहीं है, पता है कौन से वाला? ठीक, कौन सा नर्मदा नदी पे नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, अब इसमें एक लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, बालकुंड इसका आंसर है, ठीक है, हालकुंड इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बाकी दुध दुध जो है ये फेमस हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, करेंसी ऑफ इसराइल पूछा जा सकता है, इसराइल की करेंसी क्या है, इसराइल की एजेंसी क्या है, सीक्रेट एजेंसी क्या है, ये सब चीजें सवाल में आती हैं बार बार, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आंसर क्या बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर है इस क्वेश्चन का शेकल, इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहते हैं? जल्दी से देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक, आंसर क्या है? चलो, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है? भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, सुसूत्रा इसका आंसर है, सब जानते हैं, फादर इकलौते यही हैं जनक, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत करी प्लास्टिक सर्जरी की। हाँ जी, रणजी ट्रॉफी कंटेस्ट कब स्टार्ट हुआ? देखो कौन जीता कौन नहीं है तो चलो पता चल जाता है जब अपडेट होती है जी, लेकिन रणजी ट्रॉफी स्टार्ट कब की गई, यही सवाल बड़ा महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1934 इसका आंसर, 1934 इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब
हम अपने वातावरण और उसमें जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, किस ब्रांच में पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर के। ठीक है, अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें एक इकोलॉजी ऑप्शन में दे रखा है, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इकोलॉजी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोंकण रेलवे जोन। ठीक है भाई, कोंकण रेलवे जोन के हेडक्वार्टर कहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोंकण रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है नवी मुंबई में। ठीक है, कोंकण रेलवे जोन के हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, नवी मुंबई। मुंबई सिंपल सा पढ़ना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, सोल उठाओ भाई क्वेश्चन। बेटा मैं आपको सारी जगह पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सैटरडे से आपका एक मैराथन स्टार्ट हो रहा है, वो मेरे लिए वही मैराथन डेली का हो जाएगा। 7 बजे पढ़ाऊंगा आपको, और सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हर दिन मैं 7 से 9 पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, सारी क्लासेस 2 घंटे में एक साथ मर्ज कर दूं। ठीक है, सारी क्लासेस याद रखना, और मैं इधर 2 सैटरडे संडे को मैराथन लेके आ रहा हूं, अगर कर लेना मजा आ जाएगा। स्टैटिक जी के पूरा कवर है। ठीक है, कल से बता दूंगा आपको क्या सिस्टम रहेगा 7 बजे वाला। विच कंपाउंड इज यूज इन मेकिंग द परफ्यूम एंड डाइज, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो आंसर क्या है, इथाइल एसिटेट इसका आंसर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक, इथाइल एसिटेट इसका आंसर है, ये यूज किया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो भी, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, चाहूंगा फॉलोइंग इज अ फोक डांस इन इंडिया, अभी खेल क्लासिकल सारे हैं उन्हें हटा दो, फोक डांस अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जो बेटा क्लासिकल है उन्हें हटा दो, क्लासिकल डांस तीनों दिखाई दे रहे हैं, कथकली मणिपुरी मोहिनीअट्टम, ये सब जो लिखा हुआ है बेटा ये सब कुछ क्लासिकल है, ये सब क्लासिकल है। फोक और क्लासिकल में फर्क होता है। ठीक है, गरबा एक फोक डांस है। ठीक है, फोक डांस है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन से शहर में लोकेटेड है। ठीक है, नाम बदला गया है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन से शहर में, ठीक है, लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जिसको नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, अभी रात को 10 बजे क्लास होगी, रात को 10 बजे क्या क्लास होगी आपको पता ही है। ठीक है, बता दी जरूरत फिर भी थंबनेल तो जरूर दिखाएंगे, कोलकाता इसका आंसर। हाँ जी, कौन से ऐसे फाइलम है जिनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, जल्दी से बताइए कौन से ऐसे फाइलम है जिनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, प्लेंथेनिस का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जॉन लॉक ने कौन सी थ्योरी दी थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, बड़ी फेमस थ्योरी में से एक है। ऐसा जैसे कोई व्यक्ति है और कोई थ्योरी दे रहा है, वो याद कर लेना चाहिए, वो क्वेश्चन आसान भी होता है और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आसान भी होता है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पेट्रोनास ट्विन टावर कहां पे, कौन से देश में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। बताइए पेट्रोनास ट्विन टावर कौन से देश में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऐसे फैक्ट हैं भाई आने चाहिए आपको। ठीक है, नए नए फैक्ट आने चाहिए। मलेशिया इसका आंसर है। ठीक है, मलेशिया इसका आंसर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, मलेशिया इसका आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आसाम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर कंटेन गायत्री मंत्र, कौन सा लिटरेचर है जिसमें गायत्री मंत्र दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस वेद में है, जल्दी से बताइए। गायत्री मंत्र किस वेद में है, जल्दी से बताइए।
ठीक है दोस्त, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? ऋग्वेद इसका आंसर है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है चलो भाई, कौन सी फीचर्ड फिल्म है जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलो आंसर है इस क्वेश्चन का आलम आरा। ठीक है सब जानते हैं फीचर्ड फिल्म आलम आरा। ठीक है सबसे पहली फीचर्ड फिल्म थी आलम आरा। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नोन एज द पैराडाइज ऑफ अर्थ? कौन सी वैली है हमारे देश में, कौन सी ऐसी घाटी है जो पृथ्वी पे स्वर्ग माना जाता है? ठीक है और वाकई यार स्वर्ग ही है। ठीक है बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आपराधिक जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है इस वैली को। ठीक है कश्मीर वैली कहते हैं इसे। ठीक है चलो अदरवाइज ये स्वर्ग से भी बहुत बड़ी बात बड़ी चीज है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस है। ठीक है विक्रम, ठीक है वीके साराभाई कहते हैं। ठीक है चलिए विक्रम साराभाई कहते हैं इसमें, बीच में ये जो नाम आ रखा है ना ये इतना फेमस नहीं है, बस विक्रम साराभाई कहते हैं। ठीक है ज्यादा फेमस विक्रम साराभाई कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई याद रख लो। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड? मतलब हमारे देश में आज तक कितने ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं है? ठीक है जल्दी से बताएं बेटा। अभी हम ना आज एक साइंस का, आज क्या रेगुलर जो कर रहे हैं साइंस का स्टार्ट किया, मैंने वो स्टार्ट कराऊंगा अभी, मैं लिंक दूंगा, 2 घंटे हैबिट बना लो। मैं क्यों 2-3 दिन से आपको कह रहा हूँ 2 घंटे हैबिट बना लो, हर जब भी पढ़ो 2 घंटे पढ़ो, क्योंकि मैं आपको सैटरडे से 2 घंटे पढ़ाऊंगा एक साथ और काम यूट्यूब का बराबर कर दूंगा 2 घंटे में। ठीक है 7 बजे से, इसलिए हैबिट बना लो, 3-4 दिन में हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी तो उसमें पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है दो इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द ऋग्वेद मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? कौन सा ऋग्वेद मंडल है जो कंप्लीटली सोमा को डेडिकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है आंसर है इस क्वेश्चन का 9th मंडला। ठीक है 9th मंडला इसका आंसर है। ठीक है 9th मंडला इसका आंसर है। बताओ भाई बताओ, चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है एनएसजी हमारे देश का जो ऑपरेशन करता है, ठीक है आतंकवादी गतिविधियों को, ठीक है मतलब रोकने का काम नहीं करता, अगर हो गई है तो उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स काउंटर करता है टेररिज्म, ठीक है स्टॉप नहीं करता, काउंटर और स्टॉप करने में अलग बात है। 1986 में बना ये, ठीक है डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 1 नंबर के, ठीक है मतलब 1 नंबर क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन है बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 1 नंबर के हैं। बहुत सारे बच्चे और क्लासेस में सीधा लिखते हैं 1 नंबर के। आंसर क्या है बेटा आप बताओ कौन से नंबर के प्रेसिडेंट? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है आंसर है इस क्वेश्चन का 11th नंबर के। वैसे इसमें भी 1-2 बार आ रहा है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है एक और क्वेश्चन है 11th नंबर के प्रेजेंट। लाइटनिंग हीट टेबल, जो बादल गरजने के बाद कभी कभी लाइटनिंग हो जाती है, बिजली कड़कती है, तो बिजली की जो हीट पावर होती है वो कितनी होती है, कितना उसका हीट स्ट्रेंथ होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। ठीक है उसका हीट स्ट्रेंथ कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, 3000 डिग्री, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है। ठीक है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता मुझे लगता है। ठीक है बेटा याद रखना 10 बजे की क्लास अपनी लाइव होगी आज भी। ठीक है फ्राइडे तक हम 10 बजे वाली क्लास को भी दमदार तरीके से फिर मर्ज करेंगे। ठीक है 10 बजे
जो है आपको मैं सीरीज करा रहा हूँ, रात को 10 बजे आज भी होगी, ठीक है, वो सीरीज जरूर देखिए। इंदिरा गांधी का नाल इसका आंसर है। अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कौन सा आइलैंड रखा गया? ऐसे भगत सिंह के नाम पे, रानी झांसी, रानी झांसी के नाम पे, ठीक है, जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर है विलर आइलैंड उड़ीसा में। ठीक, विलर आइलैंड उड़ीसा में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। लीव यूज एज अ रैपर फॉर द बिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिट्स आप समझते ही हैं। ठीक है, कौन सा? तेंदू का पत्ता। ठीक है, तेंदू का पत्ता यूज होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसकी यूनिट है? कमेंट करें, डेसिबल किसकी यूनिट है, जल्दी से बताएं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन आंसर है। बेटा एक बार यूट्यूब पे ना इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना। वैसे मैं अभी आपको तो अभी तो आप इसमें कंटिन्यूटी में साइंस पढ़ लो, साइंस के अनअकैडमी क्लास लगा दी है मैंने अब आपकी। ठीक है, 6:20 पे आज क्लास। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड एज व्हाट? ठीक है, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इसका इंफ्रासोनिक वेव्स का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, टर्म म्यूटेशन किसके द्वारा देगी? ये जो म्यूटेशन टर्म है किसके द्वारा देगी? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? म्यूटेशन टर्म किसके द्वारा देगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूग डी वायरस का आंसर है। ठीक है, ह्यूग डी वायरस का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है बेटा, जो मतलब हमारे हमारे रेटिना पे जो किसी वस्तु की इमेज बनती है, तो बेटा वो इमेज किस तरीके की होती है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो इमेज किस तरीके की होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत लवली क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? देखो, हमेशा इमेज जो बनती है रियल और इन्वर्टेड बनती है। बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे? देखो, जैसे अभी मैं कोंकण रेलवे का पूछ रहा था ना कि कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, ठीक है, आप उन लोगों ने उसका आंसर था नवी मुंबई। ठीक है, वैसे ही अभी किसका पूछ रहा है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे का। सारे जोन पढ़ने पड़ेंगे, वैसे तो सारे जोन पढ़ने पड़ेंगे, सभी के क्वेश्चन आते हैं, किसी ना किसी जोन में क्वेश्चन मिल जाता है। जबलपुर इसका आंसर है। ठीक है, जबलपुर इसका आंसर है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनता है इसका, कि वेस्ट सेंटर का कंफ्यूजिंग कर देता है, मैप से करना पड़ेगा एक बार। व्हाट डिटरमाइन द कलर ऑफ द स्टार? ठीक है, व्हाट डिटरमाइन द कलर ऑफ द स्टार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इसका आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली कलर टेम्परेचर से ही पता चलता है ना, और किससे थोड़ी पता चलेगा। लाइव अमर रेफर कोड यूज करना। ठीक है, हर चीज के लिए, चाहे मेरी फ्री क्लास में एंटर करो, चाहे मेरी पेड क्लास में एंटर करो, व्हाटसोएवर रेफर कोड इज लाइव अमर। ठीक, कुकी किस स्टेट से संबंधित? ये कुका जो है अलग है, वो मूवमेंट है। कुकी जो है ट्राइब है। बताइए किस स्टेट की ट्राइब है, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कुकी जो है किस स्टेट की ट्राइब है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की ट्राइब है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मणिपुर की ट्राइब। एक और क्वेश्चन, एज यू गो डाउन इन द वेल योर वेट। अगर वेल जो, अगर हम कुएं में नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब कुआ है उसमें हम नीचे की तरफ जा रहे, तो वेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ठीक है, अब ये ऐसा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वेट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, जल्दी से बताइए। वेट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, ये बताए किस चीज को दर्शाता है? बताओ ये चीज किस चीज को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का आंसर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बताए क्या दर्शाता है? जैसे मैं ये कहूं ना, ये अर्थ है,
ठीक है, ये अर्थ है, और ये कुआ एक, ठीक है कुआ है, किसकी तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, और जितना अर्थ के सेंटर की तरफ कोई चीज जाती है ना, जितना अर्थ के सेंटर की तरफ कोई चीज जाती है ना, उसका वेट कम हो जाता है, और सेंटर पे जाके वेट जीरो हो जाता है, सेंटर पे जाके वेट जीरो हो जाता है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, रट्टा मारना तो रट्टा मार लीजिए, अगर समझना है तो ये समझने वाला फंडा यही है कि जितना सेंटर की तरफ कोई चीज जाएगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वैसे समझ के ज्यादा चीज सही रहती है ना, ये तो रट्टा तो गलत होता है कभी कभी। कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस, ठीक है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस, आंसर गैस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए राजतन पशवन, ठीक है, दैट इज बिल्कुल करेक्ट है वो, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, मीथेन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, मीथेन आसान है, नेचुरल गैस का मीथेन होता है, बायोगैस कह लो, गोबर गैस कह लो, व्हाटसोएवर। पेटीएम के फाउंडर को फाउंडर कौन है बताइए, आसान क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या, बेटा इस बार ही इस सैटरडे संडे की मैराथन का मैं पहले बता चुका हूं, 7 PM है, 7 PM वाईफाई स्टडी पे, सबसे गजब मैराथन, ठीक है, और उसके बाद से सब कुछ 7 PM, ये भी अश्योरिटी। ठीक है, विजय शेखर शर्मा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्व द महाभारत, भगवत गीता बिलोंग, भगवत गीता जो है महाभारत के कौन से पर्व से संबंधित है, आंसर क्या इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। ठीक है, भगवत गीता जो है महाभारत के कौन से पर्व से संबंधित है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, भीष्म पर्व इसका आंसर। ठीक है, भीष्म पर्व इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या है, भीष्म पर्व आंसर। ए सिम्पसन एंड हैरिसन आर एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से देखो, ठीक है आंसर, ठीक, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आंसर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लोरोफॉर्म आंसर है। हु क्रिएटेड द जजिंग फॉर्मूला, ठीक है, जजिंग फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, आसान क्वेश्चन। ठीक है, पूरी क्लास देखो, उसके बाद साइंस पे जाएंगे, साइंस का आज हम सेशन करेंगे यार। ठीक है, जो भी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसे एक बार साइंस के सेशन में जाके देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साइंस के सेशन में करते हैं, शेयर करना इस सेशन को भी। ठीक है, जल्दी से शेयर करो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गौतम, गौतम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, जल्दी से, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आसाम इसका आंसर है। ठीक है, आसाम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सिस्टम कौन सा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा सिस्टम है वो कौन सा, कमेंट करेगा। ठीक, ठीक है, जल्दी से बताएगा। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, पीडीएफ 100% कमेंट बॉक्स पे डालूंगा, पीडीएफ 100% कमेंट बॉक्स पे डालूंगा। ठीक है, आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ना, सुंदरबन, जिसे हम एग्जैक्टली बोलू सुंदरबन, अगर आपको ऑप्शन में दिए तो वो भी सुंदरबन डाल सकते हो, जो मैनग्रोव है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, देखो एक बॉडी जैसे सबसे ज्यादा हीट अब्सोर्ब कब करेगी और सबसे ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट कब करेगी, वो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिए एक क्वेश्चन जैसे दे रखा ना, कोई चीज जैसे ये ब्लैक मैंने पढ़ना हुआ, ठीक है, ब्लैक और साथ में रफ, ये दोनों चीजें अगर एक साथ है तो डेट विल अब्सोर्ब द मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा हीट अब्सोर्ब करता है, और रिफ्लेक्ट का आया तो व्हाइट एंड स्मूथ, व्हाइट एंड स्मूथ लाइक स्नो, ठीक है, लाइक स्नो, ठीक है, व्हाइट एंड स्मूथ लाइक स्नो, तो इधर मैंने स्नो ही लिख दिया। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, ठीक है बताइए, ये नहीं करेंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर बताइए। ठीक है, पेशवा सेक्रेटेरिएट एट पुणे इज द पायवर्ड ऑफ मराठा नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यार जो मराठास हुआ करते थे ना, उनका जो सेक्रेटेरिएट था, सचिवालय था, वो पुणे में था, और उसे क्या कहते थे, उसे क्या कहते थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, कमेंट करिएगा, बड़ा अच्छे क्वेश्चन में से एक है। क्या कहा जाता था, हुजूर दफ्तर कहा जाता, ठीक है,
ठीक है, दिमाग पर हुजूर दफ्तर कहा जाता था, आप समझ सकते हो नाम से ही समझ आ रहा है कहीं ना कहीं हुजूर दफ्तर का क्या मतलब होगा। ठीक है, हुजूर आला जहां बैठते हैं, ठीक है, हुजूर दफ्तर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्लास आज रात को 10 बजे होगी, इस क्लास को भी बहुत जरूर, मतलब ये प्रायोरिटी बेसिस पे करो, फ्राइडे तक 5 बजे और 10 बजे करो। मैं 7 बजे क्यों नहीं करा रहा, मैं आप सभी को वो जो भी चीजें कवर करनी है मुझे 5 और 10 में मैं कवर कर दूंगा फ्राइडे को, और उसके बाद मैं मर्ज करके सब कुछ 7 बजे स्टार्ट कर दूंगा। सब कुछ नया जो होगा सब कुछ 7 बजे स्टार्ट होगा, एवरीथिंग नया कोई भी कंटेंट होगा वो सब 7 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो भी सैटरडे से ही कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, 10 बजे आप जरूर जुड़ जाओ। मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कमेंट करें। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैमरून, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैमरून, कैमरून की कैपिटल कौन सी है, जल्दी से बताएगा। ठीक है, बताइए कैमरून की कैपिटल कौन सी है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, याद रखें कैमरून की कैपिटल कौन सी है। ठीक है, जनोर जो है कैमरून की कैपिटल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है आप सभी से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन आंसर है लक्षवीस का आंसर, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, लक्षवीस का आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर बताओ। मोहिंतम क्लासिकल डांस, मैं अभी कहता हूं कि जितने भी ऊपर वाले 3 ऑप्शन है वो सारे क्लासिकल डांस है। एग्जाम्पल मोहिंतम, मोहिंतम जो है कहां का क्लासिकल डांस है, कमेंट करेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बताइए मोहिंतम कहां का क्लासिकल डांस है। ठीक है, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का केरला, कहां का, केरला का क्लासिकल डांस है। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, सिराजुद्दौला जो हारे थे उसका कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, कि भाई सिराजुद्दौला के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है। ठीक है जी, सिराजुद्दौला के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, याद रखिएगा कि गद्दारी, ट्रेजरी ऑफ मिर्जा, गद्दारी सबसे बड़ा कारण होता है हारने का। ठीक है, वैसे भी इतिहास है, ठीक है, इतिहास में गद्दारी तो बहुत हुई। फर्स्ट किंग टू स्टार्ट द गोल्ड कॉइन इंडिया, पहले किंग जो भारत में गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे, कमेंट करिए। ठीक है बेटा, याद रखना आज हमारी जो साइंस की जो मैराथन क्लास है, मैराथन तो नहीं लेकिन क्लास पूरी है, 6:20 पे ही है, एग्जैक्टली वही टाइमिंग रखा है मैंने कल का। ठीक है, आपको मतलब इस क्लास में जुड़ के ना इतना फायदा होगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे जुड़ोगे तो मैं इसमें फ्री कंटेंट थ्योरी पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप 2-3 दिन जुड़िए, मैं इसमें फ्री कंटेंट थ्योरी का पढ़ा दूंगा, अश्योरिटी देता हूँ इस चीज की। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंडो ग्रीक इसका आंसर। ठीक है, ग्रेट बाथ जो है इसका, ये जो कहां पे बनाया गया, ये सब जानते हैं कहां पे ग्रेट बाथ, जल्दी सब देना। ऊपर ऊपर लिंक दे रखा है मैंने स्पेशल साइंस क्लास का, 6:20 क्लास होगी, रेफर कोड लाइव होना। मोहन जो दाड़ो इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है चलो आंसर क्या है बेटा, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। ठीक है, पास्कल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट वॉज पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो है कौन से वर्ष में पास हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप जो एक्ट है वो 1956 में पास हुआ था। ठीक है, एज द इकोनॉमी डेवलप द ट्रेजरी, देखो जब मान लो हमारी अर्थव्यवस्था यूएसए लेवल पे पहुंच गई, अमेरिकन लेवल पे पहुंच गई, तो ट्रेजरी सेक्टर जो है ये तो तीसरा क्षेत्र है, इसका
जो योगदान है वो बढ़ेगा घटेगा, बताइए योगदान आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? ठीक है, अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ऐसा काम होगा टर्टियरी सेक्टर, कॉमन सेंस की बात है कि योगदान बढ़ेगा, योगदान बढ़ेगा। अगर कहीं पे इसमें मान लो पीडीएफ में आंसर गलत भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योगदान 100% बढ़ेगा, इस चीज की गारंटी। ठीक है, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ रॉक यूजली अंडरलाइज अ कास्ट लैंडस्केप, बताइए कौन सी रॉक जो है कास्ट लैंडस्केप से कनेक्टेड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलो ये आंसर क्या इस क्वेश्चन का, लाइमस्टोन इसका आंसर, क्या इसका आंसर, लाइमस्टोन इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिएगा, पियानो की इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, आविष्कार, पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया है, किसने किया पियानो का आविष्कार, तो आसान क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आसान क्या, बहुत ज्यादा ही आसान हो गया आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है, लिखा हुआ फ्रांसिस्को, बस इतना याद रखना उसके बाद डी फ्रांसिस्को याद कर लो ज्यादा ज्यादा, यह आएगा पीछे कभी भी, किसी नाम का सरनेम जरूर आता पेपर में। ठीक है, कुछ लिखा हो ना लिखा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, करेंगे 11 बजे क्लास, पहले बताओ बैंडिट ट्यून जो एक मूवी है उसका रोल, जो लीडिंग रोल है वो किस एक्ट्रेस ने किया है, बताइए लीड एक्ट्रेस कौन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, सीमा विश्वास आंसर है, सब जानते होंगे। ठीक है, देखो हमारे शरीर में ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है, शुगर फॉर्म ग्लूकोज जो है सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है ग्लूकोज, और ये कहाँ पे स्टोर होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेंगे। फिर वेयर डज इट स्टोर, ठीक है एग्जैक्टली कहाँ पे ये स्टोर होती है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ब्लड इसका आंसर है। क्वेश्चन, कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है कहाँ पे बेटा कितने मेंबर होते हैं लोकसभा के, अच्छा लोकसभा में पूछे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, 20 इसका आंसर है ना, 20 इसका आंसर, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, फिर आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 20 इसका आंसर है, वेरी 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 सस्ता सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलो जी आंसर क्या है, 20 इसका आंसर, एक और क्वेश्चन दे, जातक्स क्या है, व्हाट इज जातक्स, जातक्स है क्या, कमेंट करिए, व्हाट इज जातक्स, जातक्स का क्या मतलब, अगर जानते हैं अगर आप तो बताएं, ठीक है जातक्स क्या है। ठीक है, ठीक है आंसर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ यार ये, गौतम बुद्ध के प्रीवियस ईयर लाइफ जो है उसके बारे में है। ठीक है जातक, एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन से, पैस इज अ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए पैस ड्रग को यूज किया जाता है, ठीक है बताइए, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जो भी इस क्लास को देख रहा है मैं आपको बता दूं, फ्राइडे से डबल आवर्स क्लास होने वाली है 7 बजे एग्जैक्टली, 2 घंटे की हैबिट डाल लो, अभी मैं इस क्लास के जस्ट बात 6:20 पे साइंस स्पेशल करा रहा हूं, मैं इस क्लास को इसलिए लंबा कर रहा हूं क्योंकि मैं 6:20 पे आपको डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कराना चाहता हूं, 6:20 पे साइंस स्पेशल हुआ, लिंक ओपन करना, लाइव उमन रेफर कोड यूज करके ओपन करके रख लेना, एग्जैक्ट टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और यहां से भी हम तसल्ली से छोड़ेंगे आप, ट्यूबरक्लोसिस इसका आंसर है। ठीक है, हैबिट बनाओगे तो बनेगी, टीबी का इसका सोल्यूशन यही है, हार्मोन रेट हेल्प इन द ये अभी नहीं करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, असम नागालैंड गोवा मिजोरम ये सब किस किस ऑर्डर में बने, ठीक है मतलब ये देश हमारे देश का हिस्सा बने हमारे किस ऑर्डर में। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अनम जी, ठीक क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, नाम याद रख लो ऐसे, ठीक है अनम जी, ठीक है अनम जी याद रख लो, ठीक है अनम जी, ठीक है बस इतना सा याद रखो, मैंने तो यही याद रखा है, 100 बार क्वेश्चन आएगा परफेक्टली करेक्ट होगा, मतलब बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर इसका। ठीक है चलिए, ठीक है लिख रो का मे बी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किप, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन, बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है और ये लेटेस्ट है अपडेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन में से।
ठीक है आसान। 9 जनवरी एक और क्वेश्चन देखिए, चलो हो गया डन है आज के क्वेश्चन। ठीक है जो भी बच्चा देख रहा है ना बेटा, आपका ये जो नेक्स्ट 6:20 पे साइंस स्पेशल सेशन है ना, वो मैंने लिख दिया है इधर कि भाई हाँ भाई 6:20 पे एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगा। एक बार आके देखो जो भी बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, आप सिंपल आपके पास 15-20 मिनट है, आप क्लास को ओपन करो। ठीक है लिंक को ऊपर जो चैट बॉक्स में दे रखा है, ऐप डाउनलोड कर लो इतने में, क्योंकि आपको अच्छा पढ़ना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा। फ्री कोड है लाइव अमन रेफर कोड, इस रेफर कोड को यूज करके एंटर करो। ठीक है ओपन करके रख लो और इतनी देर में ये रेफर कोड यूज करके ओपन करके रख लो, क्लास 6:20 पे स्टार्ट हो जाएगी। इतनी देर में ना एक बार यूट्यूब पे, ठीक है मिनिमाइज करके यूट्यूब ओपन करके यूट्यूब पे एक बार इंडियन पॉलिटी सर्च करो, ये मैराथन जरूर देखना। ठीक है इसको सेव एज लेटर कर लो, इस मैराथन को जरूर देखो, इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना। ठीक है इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना, ठीक है याद रखे। ठीक है जो भी बच्चा देख रहा है ये काम कर लो बेटा, सारे के सारे लाइव अमन रेफर कोड यूज करके क्लास ओपन करो, जुड़ते हैं 6:20 साथ के साथ। पीडीएफ मैं इसकी कमेंट बॉक्स पे दूंगा साथ के साथ। रात को 10 बजे आपकी वाईफाई स्टडी की क्लास जो होगी उसे मिस मत करना, जो भी बच्चा देख रहा है वाईफाई स्टडी पे नेक्स्ट क्लास रात को 10 बजे होगी। ठीक है फ्राइडे तक तो आपकी 10 बजे क्लास होगी। इस रेफर कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है और ऑफर भी मिलते हैं 4 मंथ 2 मंथ एक्स्ट्रा के, 2 साल 1 साल। कब लेना है इसको अप्लाई करना, आज है 27, क्लासेस आपकी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके 28 से, तो आपके पास ऐसा मौका जेन्युइन जिसमें आप जुड़ सकते हो। 28 से आपका ये मौका स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप बेनिफिट उठाइए। आप 28 तारीख से क्लास है लाइव, आपको इस रेफर कोड पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। गोल सिलेक्ट करना है, गेट्स में क्लिक करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, ठीक है रेफर कोड लगाना है लाइव अमन, ठीक है रेफर कोड लगाना है लाइव अमन, ये तरीका रहेगा। ठीक है ये तरीका रहेगा, ठीक है इंपॉर्टेंट। ठीक लूसेंट की अलग से प्लेलिस्ट बनी है बेटा, जो आप लूसेंट जीके वाईफाई स्टडी कर रहे हो ना या हैशटैग लूसेंट जीके कर रहे हो, उस हैशटैग को खोलोगे तो आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है चलिए धन्यवाद, इस रेफर कोड को यूज करके ओपन कर लो क्लास को स्पेशल साइंस। ठीक है और नोटिफाई कर लो 6:20 पे मिलते हैं आप सभी से, बहुत बढ़िया क्लास होगी आपकी 6:20 पे। ठीक है।